इसीलिए तो मैं कह रही थी कि आप लोग एटलीस्ट अपनी डोजेस कंप्लीट करो, क्योंकि इन्होंने मिड मुझे पहले था कि इन्होंने मिड जॉनसन कैसे लेने हैं और वैक्सीनेशन कैसे डालना ही डालना है। वो अभी एंड तक पता चलता है हमें तो, और अगर ऑन कैंपस है तो इट डिपेंड्स के टीचर्स पे डिपेंड करता है, वो आधे एक्सक्यूज देते हैं आधे एसक्यूज देते हैं, मेरे जैसा इमेजेस दे देगा। हाँ तो ऑनलाइन वो तो कंफर्म है कि ऑनलाइन सॉरी ऑन कैंपस होंगे मिड टर्म आपके ना, तो वो ही उसके लिए डोजेज वाला ही वो वैक्सीनेशन का चल रहा था कि आपकी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है, किसको अलाउ करना है किसको नहीं। तो मेरा ख्याल है अभी तक सिर्फ फर्स्ट डोज वालों को अलाउ करेंगे, जिनकी एक भी डोज नहीं है उनको तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे ना एग्जाम देना, और रीटेक भी कोई नहीं इनको कह रहे हैं। तो एटलीस्ट फर्स्ट डोज वालों को शायद बैठने दें जिनकी कंप्लीट है होने वाली है या कुछ इस तरह। मैम हाँ मैम जी मैम आयशा मैम आयशा लास्ट में तो पाए थे मोस्ट बच्चे आपके ऑनलाइन होंगे, और यार लेकिन अभी हम लोगों मैम आयशा लास्ट में हमने बताया कि आपके जो बच्चे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ऑनलाइन होंगे, और क्योंकि अभी डोजेज जिनकी दो है ना तो अभी काफ़ी मतलब मोस्ट ज़्यादा बच्चे जो है ना उनकी दो नहीं होगी, तो इसलिए आपके जो फाइनल होंगे आज की समझ नहीं आ रही है, क्या कह रही हो आप, थोड़ा सा क्लियर बोलो। मैम मैं ये कह रही हूँ कि मैम आयशा लियाज ने ना कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली आपके जो मेड्स है ना वो ऑनलाइन होंगे, और अभी डिसाइड नहीं हुआ तो ये कंफर्म नहीं, और वैसे भी मिस जो आयशा ने डोजेज कब मिलती बोला है वो था, तो ही मैम कल कल ही ही हमें मैम पता चला था कि जो है ना ईमेल ही आई थी कि आपके ऑन कैंपस होंगे। अब क्या है क्या मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी तक जो मुझे लास्ट कल तक आया था वो यही था कि आप इनके बच्चों के जो है ना ऑन कैंपस ही होंगे। वैक्सीनेशन का ही वो इश्यू चल रहा था कि वैक्सीनेशन वालों को क्या करें, ऑन कैंपस तो एग्जाम ले लें लेकिन वैक्सीनेशन वालों को किस तरह अलाउ करें नहीं करें, तो वो उसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी अभी। अब क्या डिसाइड होता है वैक्सीनेशन वालों का क्या डिसाइड होता है वो नहीं अभी तक डिसाइड हुआ था कि फर्स्ट डोज वालों को किस तरह अलाउ करें, और सेकेंड डोज वाले तो चलो वो तो फुली वैक्सीनेटेड वाले तो अलाउड है ही हैं, एक डोज वालों को किस तरह अलाउ करना है वो चीज थी। अच्छा आज का लेक्चर कंप्लीट करके मैंने आप लोगों को असाइनमेंट का भी बताना है नेक्स्ट वीक तक, आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करनी है, कुछ चीजें जो मैंने ऐड करवानी थी वो आज आपको बता के, क्या जो आप लोगों की असाइनमेंट पहले बताई थी मैंने उसमें ऐड करके, तो विद इन अ वीक जो है मुझे किस तरह इस ईमेल नहीं कोई भी करेगा ठीक है, ईमेल मुझे नहीं समझ आती है सारों की ईमेल जिस तरह आ रही होती है, मैं गूगल ड्राइव के ऊपर आपको एक फोल्डर बना दूंगी और आप लोगों ने सब में ना उधर ही जो है मुझे एक ही फोल्डर के अंदर यहाँ पे किसी एक स्टूडेंट को सब सेंड करें ठीक है, और वो सारे स्टूडेंट जो है ना मुझे गूगल ड्राइव का फोल्डर बना के ना उसमें मुझे इस तरह सेंड करें, इंडिविजुअल करेंगे इस तरह ईमेल्स करेंगे, मुझे समझ नहीं आती वो ढेरों ढेर ईमेल्स आई होती हैं और समय किसी की रह जाती है, तो प्रॉपर जो है ना एक फोल्डर के अंदर सब मुझे सेंड करें ठीक है, और कुछ चीजें जो ऐड करने वाली हूँ मैं आज आपको बता दूंगी। अच्छा, अभी तक हम लोगों को जो हमारा टॉपिक था एक्सरे मैमोग्राफी एंड फ्लोरोस्कोपिक जितने भी स्पेशल प्रोसीजर्स थे वो हम लोगों ने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया हुआ है, और दो तीन चीजें जो रह गई हैं हमारी वो मैं अभी मेरे ख्याल है 4 या 5 आपके भी लेक्चर और रह गए हैं और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें ये है कि आप लोगों का जो मेन जितना कोर्स था वो कंप्लीट हो गया हुआ है ठीक है, एक्स्ट्रा भी हम लोगों ने पढ़ लिया, मेमोग्राफी भी पढ़ लिया, स्पेशल प्रोसीजर्स भी सारे पढ़ लिए हमें, उसके अलावा एक दो टॉपिक हैं जिनमें एक आर्टिफैक्ट्स का टॉपिक है जिसमें क्या आर्टिफैक्ट्स आते हैं वो हम लोगों ने एक पढ़ना है, और एक आप लोगों की कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रास्ट हैं, और जो हम लोग हाई ऑस्मोलर लो ऑस्मोलर क्यों कहते हैं उनके क्या यूजेस हैं क्यों क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो सारा जो है वो उसके ऊपर है आपके कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स के ऊपर है। आज का जो टॉपिक है वो है सारी डिजिटल एक्सरे इमेजिंग या डिजिटल इमेजिंग ओवरऑल ठीक है, इसके अंदर जो भी अभी तक हमने मोडालिटीज पढ़ी हैं एक्सरेज हो गया मेमोग्राफी हो गया फ्लोरोस्कोपी हो गया और अदर देन डैट जितने भी हमारे पास प्रोसीजर्स हैं सॉरी जितनी भी हमारे पास टेक्निक है इमेजिंग की जिसमें सीटी एमआरआई और डेक्सा ये मतलब जितनी भी इमेजिंग मोडालिटीज हैं दे आर कन्वर्टिंग टूवर्ड्स द डिजिटल, अब वो डिजिटल की तरफ ही सारे जितने भी कन्वेंशनल इमेजिंग थी पहले वो पहले कन्वेंशनल थी और अब जो है वो कन्वर्ट हो रही है डिजिटल में, हर चीज डिजिटली जो है वो
आपको इमेजिंग मिलेगी, अब डिपार्टमेंट्स में जाएं। हाँ, बहुत पुराने जहाँ पे अभी तक कन्वेंशनल, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कन्वेंशनल कहीं हो रहा है, हर जगह पे जो है ना वो रिप्लेस हो गया हुआ है विद डिजिटल इमेजिंग। ठीक है, हर मशीन जो है वो डिजिटल है, उसके अंदर क्या नई नई चीज़ें आई हैं, पैक्स क्या है वो अभी पढ़ते हैं हम लोग। पैक्स क्या होता है कि बेसिकली आपका जो हॉस्पिटल है वो इंटरकनेक्ट होता जा रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, जिस तरह शौकत खानम हो गया, या बड़े जितने हॉस्पिटल्स हैं वो अब पैक्स के थ्रू वो सारी इमेजिंग हो रही है। उसका क्या मतलब होता है कि आपने जो पहले होता था कि पेशेंट अपना कोई ना कोई रिपोर्ट लेके जाता था हॉस्पिटल में, उसे रिपोर्ट घूम गई, ये हो गया, हिस्ट्री हो गई, पैक्स जो होता है वो सारी इमेजिंग मोडालिटीज को इंटरलिंक कर देता है। ठीक है, वो डिजिटली ये होता है कि एक्सरे, मेमो, जितना भी आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है ना वो सारा इंटरलिंक है, और रेडियोलॉजिस्ट सिर्फ अपने रिपोर्टिंग रूम में बैठे होते हैं और उन्होंने रिपोर्ट करनी होती है, और क्या होता है कि आपके पास सारा का सारा डाटा जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है कन्वेंशनल से डिजिटल में, और इमेजेस जो है वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं आपके उस रूम में। ठीक है, वो आप एक्सरे कर रहे हो, आप मेमो कर रहे हो, आपने सिर्फ एक प्रेस करना है बटन और आपके इमेजेस जो है वो उस रूम में ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर उसके अलावा आपके पास कोई भी पेशेंट, अब वो एक तो ये कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट सारा इंटरलिंक होता है, दूसरा जो है आपका जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ, वालेकुम अस्सलाम, और तो नहीं आना अभी किसी में, बीच में आते हो ना तो लेक्चर थोड़ा डिस्टर्ब सा हो जाता है। अच्छा, आ रहे हैं, तो दो मिनट वेट करूं फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, जूबिया और एक दो और ने मुझे अपने असाइनमेंट सेंड किए, अभी असाइनमेंट मैंने कहा था मैंने ऐड करनी है कुछ चीजें, वो ऐड करके फिर आप लोगों ने असाइनमेंट मुझे सेंड करनी है। ठीक है, तो आप लोग दोबारा से वो मुझे सेंड करना, और कोई भी मुझे ईमेल नहीं करेगा, सारे असाइनमेंट जो है वो आप लोगों ने मुझे गूगल ड्राइव के ऊपर या एक फोल्डर के अंदर ही सेंड करनी है, और फोल्डर का नाम रखना है कि आपका मेमोग्राफी की, क्योंकि और भी मैं सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ, उनके स्टूडेंट्स भी सिर्फ अपना नाम लिखते हैं, वो पता नहीं चलता कि आप किस सब्जेक्ट के हो और क्या सारा, तो फिर मैं एक फोल्डर के अंदर आपके वो रखी जाऊंगी और फिर चेक करूंगी एक साथ ही। ओके मैम, ठीक है, तो मैं आज एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं बता दूंगी क्या चीजें ऐड होने वाली थी, और फिर उसको ऐड करके फिर पूरा कंप्लीट करके, वन वीक का टाइम है तो मिड से पहले पहले अपना ना असाइनमेंट मुझे सबमिट करा दो, नेक्स्ट वीक तक सबमिट करा दो, आज क्या ट्यूजडे है ना, नेक्स्ट ट्यूजडे तक सबमिट करा दो, एक वीक है। चलो अब उन्होंने पता नहीं कब आना है, लेक्चर का टाइम खत्म हो जाएगा फिर। अच्छा, मैं बता रही थी कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है अभी तक अपना जो हमारा सब्जेक्ट, एक्सरे भी पढ़ लिया, मेमो भी पढ़ लिया, और स्पेशल रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स जो हमारी फ्लोरो के प्रोसीजर्स हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिए जो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, उसके अलावा हमारे दो या मेरा ख्याल है चार या पांच हमारे पास रह गए हैं और लेक्चर्स, और उसमें हम लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जो रह गए हैं, उसके अंदर एक जो है वो ओवरऑल जो कुछ हमने पढ़ लिया उन सबके आर्टिफैक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स एक्सरेज में किस तरह के होते हैं, क्या क्या टाइप के आर्टिफैक्ट्स होते हैं, कुछ मैन मेड आर्टिफैक्ट्स होते हैं, कुछ जो है वो मशीन के आर्टिफैक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ जो है वो कोई डस्ट आर्टिफैक्ट हो गया, वो सारे मशीन मेड, कुछ मैन मेड, कुछ मोशन की वजह से आ गया कि पेशेंट हिल गया, मोशन आर्टिफैक्ट आ गया। ठीक है, कुछ उसने मेटालिक चीज पहनी हुई थी, वो उसको क्या टाइप कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास आर्टिफैक्ट्स हैं। उसके अलावा अभी तक हम पढ़ रहे थे कि इनके प्रोसीजर्स में हमने कॉन्ट्रास्ट, लो ऑस्मोलर, हाई ऑस्मोलर, डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रास्ट पड़े हैं, कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स होते क्या हैं, उनका क्या यूज है हमारी बॉडी में, क्या एडवर्स इफेक्ट है जो हम कहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारी बॉडी से निकल जाना चाहिए एक्सक्रीट, वो क्या हमारी बॉडी में क्या एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और वो आयोडिनेटेड कौन से होते हैं, उनको लो ऑस्मोलर क्यों कहते हैं, उनके हाई ऑस्मोलर, वो कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स पे टॉपिक है आज का टॉपिक है हमारा। अच्छा, और लास्ट एक दो टॉपिक होंगे वो प्रोटेक्शन के ऊपर। ठीक है, अभी तक हम पढ़ रहे हैं ना कि एक्सरेज कितने हार्मफुल है, उनका क्या हमारी बॉडी पे इफेक्ट आता है, कुछ हमारे पास लेट इफेक्ट होते हैं, कुछ हमारे पास अर्ली इफेक्ट आ जाते हैं, जो रेडिएशन में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं लोग और रेडिएशन उसको मिल रही है विदाउट एनी प्रोटेक्शन, उस पे क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, वो क्या उसके एक तो अर्ली है जो उसी वक्त हमें किसी को रैश एकदम हो गई है, मे बी वो उसको रेडियोलॉजी का एडवर्स इफेक्ट हुआ हो। ठीक है, रेडिएशन उसको इतने ज्यादा, कुछ होते हैं क्रॉनिक, मतलब लेट इफेक्ट्स होते हैं, काफी ईयर से बाद उसने कोई 10-15 साल मतलब अपनी पूरी जिंदगी जो है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम किया, रेडिएशन उस वक्त उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब रिटायर हो गया, ये हो गया, उसको ऐसी बीमारियां लग गई हैं जिसकी वजह से जो है उसको अब वो लेट इफेक्ट आना स्टार्ट हो गए हैं, दैट मीन्स उसको रेडिएशन के लेट इफेक्ट्स।
ठीक है, हम लोग कैंसर्स को भी नहीं कह सकते कि कैंसर की अभी तक कॉज नहीं पता चली है, आपको पता ही है ना कि कैंसर का अभी तक एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है, लेकिन रेडिएशन एक कॉज है हमारा कैंसर, ठीक है, कैंसर का। तो जितने भी कैंसर्स आजकल ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं डेट इज ड्यू टू द रेडिएशन। अब हमें नहीं पता एग्जैक्टली हमें कौन सी रेडिएशन मिल रही है, हम रेडिएशन में ही तो है, हमारे आसपास जितने एनवायरमेंट में रेडिएशन है, ये वाईफाई, ये सिग्नल, ये हर तरह की रेडिएशन ही है ना ये, ठीक है। फिर उसके बाद आप हॉस्पिटल चले जाओ तो आपको आयनाइजिंग रेडिएशन मिल रही है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, कितनी रेडिएशन, हम रेडिएशन में ही आजकल रह रहे हैं, तो रेडिएशन जो है वो भी एक कैंसर कॉजिंग है। अच्छा, एक रेडिएशन जो होती है वो ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रही है, ठीक, एक रेडिएशन वो कैंसर कर भी रही है, ठीक है, आपने देखा होगा कि, लेकिन वो आपकी फील्ड का नहीं है, अलग से जो फिजिक्स में और मेडिकल फिजिक्स में जाते हैं, और वो फिर आगे जो है प्रोटेक्शन जो हॉस्पिटल के अंदर अब रेडिएशन से जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं कैंसर का, ठीक है, शौकत खानम या बड़े हॉस्पिटल्स में वो होती है रेडिएशन थेरेपी उसको कहते हैं, ठीक है, वो अलग से ही एक पूरा डिग्री है एक अलग से ना रेडिएशन थेरेपी के नाम से। अच्छा, आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट द डिजिटल इमेजिंग, नॉट जस्ट एक्सरेज, जो तक जो अभी तक हम लोगों ने मोडालिटीज पढ़ ली है जिसमें एक्सरेज है, मेमोग्राफी है, फ्लोरो है, अदर देन दैट ये तो तीन पढ़ी है हमने, सीटी स्कैन हो गया, उसके अलावा एमआरआई हो गया, और हमारे पास जितने भी इमेजिंग मोडालिटीज हैं दे आर नाउ कन्वर्टिंग इन टू डिजिटल, ठीक है। आप पहले देखते होते थे कि हमारे पास कन्वेंशनल इमेजिंग होती थी, जिस तरह एक इमेजिंग है ना, क्या एक आपने पिक्चर्स ही लेनी है ना, जिस तरह हम लोग के पहले जमाने में होता था छोटे कैमरे यूज होते थे, ठीक है, उसकी पिक्चर्स कैसे डेवलप की जाती थी ना, वो एक फिल्म होती थी छोटी सी, वो उसको जाके डेवलप करवाना और फिर पिक्चर्स हमारे पास डेवलप होके आती होती थी, सेम लाइक डैट हमारे पास जो पहले इमेजिंग होती थी इसी तरह इमेजेस जो है वो कन्वेंशनली, इसको कन्वेंशनल इमेजिंग कहते थे। उसमें क्या होता था कि आपके इमेजेस उस तरह डेवलप किए फिल्म को जो है डेवलपर में जाके फिक्सर में डाल के फिर उसको पूरा एक प्रोसेस होता होता था, फिर उसको कई दिनों के बाद जो है ना जाके हमें रिपोर्ट मिलती होती थी, उसकी इमेज मिलता होता था, ठीक है, वो एक्सरे फिर उसी तरह डेवलप किए जाते थे। आजकल क्या है, आजकल डिजिटल का जमाना है, हर चीज डिजिटल, तो उसी तरह हमारी रेडियोलॉजी के अंदर जितने भी इमेजिंग मोडालिटीज हैं दे आर नाउ कन्वर्टिंग इनटू डिजिटल, ठीक है। अब उसके अलावा इसके अंदर एक तो वो सारी की सारी कन्वेंशनल से डिजिटल में आ गई है, ठीक, वो हमें फॉरन इधर इमेज हमने लिया, फॉरन हमें मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो गई, और उसी से हम कैसेट जो है वो उससे इमेज भी ले सकते हैं डिजिटल, कुछ जो है यूएसबी में ले लेते हैं, कुछ हमें वो सीडीज बना के दे देते होते हैं एमआरआई या सीटीज की ना, पेशेंट को जो है वो सीडी बना के दे देते हैं पूरी, क्योंकि उसमें इमेजेस की सीरीज होती है, ठीक है, वो पेशेंट के पास जब भी देखोगे उनके पास फिल्म नहीं होगी, उनके पास सीडीज होगी, ठीक है, वो सीडी में उनको सारा डाटा दे देते होते हैं। इसके अलावा अब जो है ना हॉस्पिटल जो है वो पैक, आपने किसी ने सुना होगा पैक सिस्टम, ठीक है, वो अब हॉस्पिटल्स के अंदर लग रहा है। सिस्टम क्या है इसके अंदर कि पूरा का हमारा जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है पहले तो वो इंटरकनेक्ट हो जाता है, सीटी एमआर जितने भी हमारे पास रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट्स है ना, एमआरआई वाला जो है वो अपने इमेजेस जो है वो रेडियोलॉजी रिपोर्टिंग रूम में रेडियोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, वो अपना डाटा सारा वहां पर ट्रांसफर करी जा रहा है, ठीक है, कुछ रिपोर्टिंग वाले हैं वो सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट वहां बैठ कर रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके पास इमेजेस आ रही हैं, और जो करने वाले हैं वो आप लोग, ठीक है, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं जितने भी वो इमेजेस बना के उनको सेंड करी जा रहे हैं, और रेडियोलॉजिस्ट का काम क्या है, उन्होंने रिपोर्ट करना है, वो सिर्फ वहां बैठे हैं रूम में, उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट देखनी है, जितना अच्छा इमेज आएगा उसके पास वो उतनी अच्छी रिपोर्ट करेंगे। आप लोगों ने अपने अपने डिपार्टमेंट में जो सिटी में बैठा हुआ वो सिटी के इमेजेस बना के भेजी जा रहा है, ठीक है, आपके पास पेशेंट आ रहा है अल्ट्रासाउंड वाले, एक्सरे वाले, फ्लोरो वाले, ठीक, वो क्या करते हैं कि आपका जो है ना एक तो इंटरकनेक्ट होता है, आपने बस एक बटन दबाया, इवन कि आपके जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है उसके इमेजेस भी ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट तो इंटरकनेक्ट है ही है, इसके अलावा डिफरेंट जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इसके साथ लिंक्ड होते हैं, डैट मीन्स कि जिस तरह बड़े हॉस्पिटल है उनके अंदर डॉक्टर्स जो हैं, एक जो भी एक पेशेंट आया है हॉस्पिटल में उसको एक आईडी दी जाती है, ठीक, वही आईडी उसको हर डिपार्टमेंट में सर्कुलेट होती है, और आपके पास फॉर एग्जांपल पेशेंट गया था ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में, ठीक है, उसके पास कोई हिस्ट्री नहीं है, पहले उसने वहां से एक्सरे करवाए हैं, इवन कि अब पहले तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, फिर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट्स के साथ उसी हॉस्पिटल में, और अब सुना है कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स भी इंटरकनेक्ट हो गए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक कह रहा है कि मैंने जनाब इस हॉस्पिटल से एक्सरे करवाए थे, अब मेरे पास एक्सरे नहीं है, या तो उस हॉस्पिटल का होगा वो तो क्या करेगा आईडी डालेगा ऑर्थोपेडिक वाला, उसने एक्सरेज देखने हैं उसके, ठीक है, अब सारा पेपर सिस्टम खत्म कर रहे हैं, ठीक है, हर चीज वो पेपर पहले लेके आना, रिपोर्ट लेके आना, इतनी इतनी फाइलें उठा के पेशेंट्स ला रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं आप कौन सी रिपोर्ट दिखानी, पेपर सिस्टम को खत्म करना, क्या करेगा पेशेंट आपके पास आएगा
ऑर्थोपेडिक वालों के साथ उसका फ्रैक्चर था या कुछ भी था, उसने एक्सरे दिखाने हैं, पेशेंट डॉक्टर ने क्या करना है, उसने नहीं, उसने आईडी पूछनी है उसकी, उसने अगर उसी हॉस्पिटल से आईडी हुआ तो उसका सारा का सारा जितनी भी उसकी हिस्ट्री है ना, इवन के उसका रेडियोलॉजी की भी जितनी इमेजेस हो चुके हैं, लैब के भी जितने टेस्ट हो चुके हैं, जितने भी मतलब उसकी हिस्ट्री है ना वो सारी आ जाएगी, ठीक है, जितने भी टेस्ट हो चुके हैं, लैब टेस्ट हो गए, इमेजिंग के टेस्ट हो गए, इसके अलावा कोई और होगा, पूरी हिस्ट्री उसके सामने खुल के आ जाएगी डॉक्टर के सामने, और वो सिर्फ एक डाटा के ऊपर ही, ठीक। इसके अलावा क्या होता है कि ये तो हो गया, फिर डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ मैंने बताया, अब वो कह रहा है कि मैंने जी अलराजी से या कहीं और से मैंने एक्सरे करवाया, तो क्या करेगा, उसकी जो आईडी होगी वो वहां पे भी यूज हो सकती है, वो जो आईडी उन्होंने दी थी, बस पेशेंट ने अपनी आईडी याद रखनी है, ठीक है, वो वहां डालेगा, अलराजी हॉस्पिटल भी चेंज हो सकता है, जिस तरह यहाँ से हॉस्पिटल चेंज किया उसने वहां से, और वो उस हॉस्पिटल की आईडी का उसका डाटा वहां से आ गया, ठीक है। तो ये क्या पेपर सिस्टम खत्म कर रहे हैं, हर चीज डिजिटल कर देनी है, हर चीज हॉस्पिटल में जो है वो इंटरकनेक्ट हो जाएगी, डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट रेडियोलॉजी, ठीक। इसके अलावा हमारी मशीन्स जितनी हैं वो डाटा किस तरह ट्रांसफर कर रही है, आप जल्दी जल्दी जिसको एडिटिंग कर लेते होते हैं। डिजिटल इमेजिंग क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग द कन्वेंशनल इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म्स, प्रोसेसिंग द डिजिटल डाटा इन यूजफुल वेज व्हाइल डिस्प्लेइंग इट इन अ मैनर दैट मेक्स इट अपीयर वेरी मच लाइक अ कन्वेंशनल इमेज। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ उनकी प्रोसेसिंग, ठीक है, इमेज वो वैसे ही बनेगा हमारे पास, उसके ऊपर होता था कि हमारे फिल्म के ऊपर, इसके ऊपर भी हम फिल्म डेवलप करवा सकते हैं, जो हमारे पास आया है उसके मॉनिटर के ऊपर, उसको हम लोग देन जो है क्या कहते होते हैं उनको, सीडी फॉर्म में या अगर वो हार्ड फॉर्म में चाहता है तो उसको फिल्म में ट्रांसफर करके जो है ना उसको डाटा दे सकते हैं, ठीक है। दोनों की इमेजेस सेम होंगी, ठीक है। ये है कि कन्वेंशनल के अंदर आर्टिफैक्ट के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्या होता है जब प्रोसेस करवा रहा होता है, जब प्रोसेसिंग हो रही होती है, इधर फिक्सर में डाला पहले फ्रेम, फिर डेवलपर में डाला, ड्राई किया, फिर वो जिस तरह डेवलपिंग होती होती थी पहले, उसमें चांसेस होते हैं आर्टिफैक्ट के, कोई भी डस्ट पार्टिकल उसके ऊपर स्टिक कर गया है, ठीक है, उससे क्या होगा, हमारे पास इमेज के अंदर छोटे छोटे डॉट्स आ सकते हैं, वो हम लोग रिपोर्ट में, ठीक है, ये तो उसके अंदर कोई आर्टिफैक्ट के कम चांसेस होते हैं। इसके भी डिजिटल के भी अपने एक आर्टिफैक्ट्स हैं, वो आर्टिफैक्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे, बट कन्वेंशनल के अंदर चांसेस होते थे कि वो आर्टिफैक्ट को बहुत ज्यादा आर्टिफैक्ट्स आ सकते थे उसके अंदर, ठीक है। दोनों के अंदर इमेजेस सेम होंगे, इसके अंदर क्या है, आपके पास मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, उसके ऊपर आप फिल्म के ऊपर है, फिल्म जो है वो मॉनिटर पर नहीं ट्रांसफर कर सकते जो कन्वेंशनल में होता था, ठीक। डिजिटल इमेजिंग टेक्निक्स आर अप्लाइड टू सीटी, अल्ट्रासाउंड, रेडियो आइसोटोप स्टडीज, एमआरआई, डिजिटल रेडियोग्राफी, डिजिटल फ्लोरोस्कोपी। अब जितनी भी इमेजिंग है ना वो सारी डिजिटल है, एक्सरे, एमआरआई, सीटी, फ्लोरो, सब कुछ हम उनको कह सकते हैं, दीज ऑल इमेजिंग मोडालिटीज आर नाउ कन्वर्टिंग इनटू डिजिटल फॉर्म, सब कन्वेंशनल से डिजिटल में आ गई। अब वन बाय वन एक एक करके सबको पढ़ते जाते हैं, नंबर वन आ गया डिजिटल फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी तो अभी हमने पढ़ी है ना, डिजिटल एक्सरे सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ डायनामिक इमेजेस। हमें पता है फ्लोरोस्कोपी है क्या, डायनामिक इमेजिंग या एक्सरे की, ठीक है। डायनामिक इमेजेस ऑब्टेन विद एन एरिया एक्सरे बीम एंड इमेज इंटेंसिफायर। वी ऑल नो कि क्या है उसका जो हमारे पास मशीन है, किस तरह वो डिजाइन की जाती है, एक्सरे क्यूब किस साइड पे होती है, इमेज इंटेंसिफाई किस साइड पे होता है, पेशेंट कैसे लाए करता है और इमेज कैसे फॉर्म होता है। एक्सरे प्रोडक्शन तो आपको पता ही है, वो एक्सरे में सेम उसकी एक्सरे प्रोडक्शन तो वैसे ही होगी, ठीक है, एक्सरे ट्यूब से। लेकिन इसका क्या है, इसकी एक्सरे ट्यूब जो होती है वो पेशेंट की बैक साइड पे होती है, जो टेबल होता है उसके नीचे, ठीक है। और इंटेंसिफायर क्या होता है, जो जिसने डिटेक्ट करना है इमेजेस को वो ऊपर लगा होता है, ठीक है, वो जो टेबल होता है उसके ऊपर जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एक्सरेज को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, विजिबल लाइट में, और वो डिस्प्ले होती है हमारे पास, मॉनिटर साथ ही लगा होता है उसके ऊपर, जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ दैट ऑर्गन वो ब्लैक व्हाइट हमें चीजें नजर आ रही होती है। सो डिजिटल इमेजिंग फ्लोरोस्कोपी क्या होगा, अब ये बस आपको प्रोसीजर पता है ना कि एक्सरेज कैसे हुए थे, फ्लोर आप उसके साथ डिजिटल लगा दो, दे आर कन्वर्टिंग द कन्वेंशनल एक्सरेज इनटू डिजिटल एक्सरेज, ठीक है, तो वो डिजिटल फ्लोरोस्कोपी हो गया। अच्छा, डिजिटल एक्सरे जो सिंपल स्टैटिक इमेजिंग, वो डायनामिक इमेजिंग फ्लोरोस्कोपी को कहते हैं हम लोग, ठीक है, और स्टैटिक इमेजिंग हमारे पास डिजिटल सिंपल रेडियोग्राफी हो गया। सो स्टैटिक इमेजेस प्रोड्यूसेस विद अ with either a fan x-ray beam intercepted by a linear array of the radiation detector or an area x-ray beam in, acha fan shape kiske andar aayega, fan shape x-rays jo nikalte hain wo array jo lagta hai aur detector jo hai na wo different arrays ke, maine shayad aapko bataya ho ya na bataya ho yaad na ho, ct ke andar jo hai na wo aapke paas fan shape detector arrays lage hote hain yun karke, ठीक है। सीटी क्या होता है, गेंट्री होती है ना गोल, एक तरफ एक्सरे, वो जो गेंट्री है ना उसके इधर लगा होता है एक्सरे ट्यूब और दूसरी साइड पे लगे होते हैं डिटेक्टिव एरेज,
ठीक है, वो घूमती है गैंट्री के अंदर। एक्सरे जो है ना यूं करके, यूं वो जो एक्सरे ट्यूब थी नीचे आ गई, फिर एक स्लाइस हो गया, ठीक है, दूसरा स्लाइस, वो स्लाइस स्पाइरल हमारे पास इमेजिंग होती है, वो यूं घूमती रहती है गैंट्री के अंदर, हमें फिर आवाज आ रही होती है, वो बाहर से नहीं घूम रही, अंदर मशीन घूम रही होती है। ठीक, तो वो एक्सरे ट्यूब किस तरह, एक्सरे ट्यूब नीचे आ गई, एक ऊपर, एक डिटेक्टर्स ऊपर चले गए, डिटेक्टर्स डिफरेंट यूं एरेज में लगे होते हैं, ठीक है, यूं करके, ठीक है, वो यूं घूमते हैं और एक स्लाइस हो गया, फिर दूसरा स्लाइस, फिर यूं घूमते हैं, उसको स्पाइरल इमेजिंग भी कहते हैं सिटी के एक्सरे, ठीक है। अच्छा, लीनियर एरे ऑफ द रेडिएशन डिटेक्टर, और अब रेडियोग्राफी के अंदर क्या होता है, लीनियर एरे, ठीक है, उसमें कर्व्ड एरे था, यूं कर्व सा बना होता है, और इसके अंदर लीनियर एरे डिटेक्टर्स लगे हुए हैं जिसमें इसको डिटेक्ट करना है, और इसके ऊपर हमारे पास कौन सा स्टिमुलेटर्स या जिसने हमारे पास जो एक्सरेज को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करना है, वो कौन सा एक मटेरियल होता है, उसको कहते हैं फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर प्लेट्स, डिफरेंट लगी होती हैं, और डायरेक्ट कैप्चर सॉलिड स्टेट डिवाइस, ठीक है। अच्छा, वट आर द एडवांटेजेस, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ द डिजिटल फ्लोरोस्कोपी आर द स्पीड ऑफ द इमेज एक्विजिशन एंड द पोस्ट प्रोसेसिंग दैट कैन बी इनहेंस इमेज कॉन्ट्रास्ट, दैट इज अ क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ, वट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल इमेजिंग, कोई भी इमेजिंग, ठीक है, नॉट जस्ट एक्सरे मेमो, इसका क्या फायदा है कि हमें डिजिटल, एक नंबर वन पे तो आ गया हम लोग, इसमें मैंने बताया आर्टिफैक्ट्स रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमम आर्टिफैक्ट आ सकते हैं इसके अंदर, दूसरा ये कि स्पीड, ठीक है, अब उसमें क्या होता था, दो दो तीन तीन दिन बाद हमें जो है वो फिल्म मिलती होती थी, क्योंकि उसमें प्रोसेस होना है, उसमें उसी तरह डेवलप होके हमारे पास आना है, तो इसके अंदर क्या होता है, इधर हम लोगों ने बटन दबाया, इधर हमारे पास सामने ही जा रहा है, ठीक है, डिजिटल है, फास्ट है। दूसरा हमारे पास क्या, इसका एडवांटेज हो गया पोस्ट प्रोसेसिंग का, दैट मीन्स कि हम लोग कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि जो कन्वेंशनल में क्या होता था, हमने इमेज दे दिया, अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बस जो इमेज आ गया, जो हमने उसके सेट किए थे पैरामीटर्स, वो उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास इमेज आएगा, जितना केवी, जितना एमएएस, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इमेज आ गया, ना हम उसको ब्राइट कर सकते हैं ना, अब ये क्या होता है, डिजिटल में आपके पास इमेज आ गया मॉनिटर के ऊपर, आप एक दफा इमेज आ गया, आप उसको थोड़ा, जब इमेज आ गया आप उसको चेंज भी कर सकते हो, थोड़ा सा पोस्ट प्रोसेसिंग हो सकती है, उसका क्या मतलब है कि आप इमेज को ब्राइट, अगर थोड़ा काला नजर आया, आपने फैक्टर्स थोड़े कम रखे थे, लेकिन पेशेंट जो है वो ज्यादा फैक्टर्स उसको रिक्वायर्ड थे, आप बैठ के उसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, जिस तरह अल्ट्रासाउंड पे होता है ना, हम ब्राइटनेस जूम वगैरह बढ़ा सकते हैं, इसी तरह हम जो है, हमारे पास इमेज आ गया, हम मॉनिटर उसके ऊपर बैठ के, सिस्टम के ऊपर बैठ के आप उसकी ब्राइटनेस चेंज कर लो, आप उसको वो कर लो, क्या कहते हैं, कट कर लो, ठीक है, जो रिक्वायर्ड एरिया होता है उसको उतना एरिया रख लो, बाकी सारा कट कर दो, ठीक है, ठीक है, अब बाउंड्रीज जितनी, अब हमें ये एरिया इन्वॉल्व नहीं करना था, हमने ज्यादा जूम मतलब उसका खोल लिया था, उसको जो हमारे पास कॉलीमेटर था, कॉलीमेटर हमने ज्यादा कर लिया, जो हमें रिक्वायर्ड था वो एरिया नहीं, हम उतना ही फ्रेम को कट करके हम फ्रेम बना सकते हैं, दैट इज पोस्ट प्रोसेसिंग, आप अपने सिस्टम के ऊपर बैठ के कोई भी प्रोसेसिंग कर सकते हो जब आपके पास इमेज आ जाता, तो ठीक है, ये दो फायदे हो गए आपके पास, ठीक है, एक आपके पास इमेज बहुत जल्दी स्पीड अप हो जाता है, ठीक है, आपके पास प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है, दूसरा आप पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हो, कन्वेंशनल में ये दोनों चीजें मिलती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, सीटी यूजेस अ नैरो बीम, फैन बीम, जो मैंने अभी बताया यूं करके होती है, यूं ऊपर एक्सरे ट्यूब लगी होती है, उसके अंदर से फैन शेप यूं एक्सरेज निकलते हैं, ये सीटी के अंदर होता है, नैरो फैन बीम ऑफ एक्सरेज दैट इंटरसेप्ट्स अ लीनियर एरे ऑफ द रेडिएशन डिटेक्टर्स एंड कॉल्ड द स्कैन प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी, ठीक है, जो यूं करके आपके पास आ रही है एक्सरे बीम निकल रही है उसके अंदर से यूं, और उसके बाद नीचे आपके पास लीनियर एरे डिटेक्टर्स यूं लगे हुए हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्कैन प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी बी कहते हैं, ठीक है। सिग्नल फ्रॉम द ईस्ट डिटेक्टर इज कंप्यूटर मैनिपुलेटेड टू रिकंस्ट्रक्टेड इमेज, अब जो नीचे डिटेक्टर्स लगे होते हैं ना, वो एक नहीं होते, बहुत सारे लगे होते हैं, ठीक है, वो लाइन में यूं छोटे छोटे डिटेक्टर्स, डिफरेंट लाइंस ऊपर नीचे भी होती हैं, हमें तो नहीं, लेकिन जो डिटेक्टर्स डिटेक्ट कर रहे हैं, वो एक जो डिटेक्टर है वो कंप्यूटर उसको क्या करेगा, वो मैनिपुलेट करेगा, जिस तरह हमारे पास होता है, वो अपनी वर्डिंग में जो है उसको ट्रांसफर करेगा उस डाटा को, और वो हमारे पास मॉनिटर के ऊपर नजर आएंगे, ठीक है, डिजिटली किस तरह कन्वर्ट कर रहा है। सी आर कंप्यूटेड रेडियोग्राफी यूजेस अ फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर एज इमेज रिसेप्टर एंड एन एरिया बीम, अब हमारे पास सी आर क्या है, एक तो हमारे पास आ गया ना जो इमेज इंटेंसिफायर, जो ऊपर जिसने डाटा जितना भी था उसको कैप्चर डिटेक्ट किया, डिटेक्टर लगे हुए थे, ठीक है, उसके बाद हम फिल्म निकालते हैं, उसके अंदर फिल्म लगी हुई है ना जिसके ऊपर आना है, इमेज बनना है, हम फिल्म निकालते हैं और उसको क्या करते हैं, फ्लोरोस्कोपी के ऊपर तो हमारे पास सामने ही नजर आ रहा है जो मॉनिटर लगा होता है इमेज, एक्सरेज में क्या होता है, एक्सरे में हमने क्या किया, इमेज लिया, इमेज लेके फिर उसकी फिल्म निकाली,
फिर निकाल के अब हम सीआर में डालेंगे, वो जो एक जो होता है ना कंप्यूटर रेडियोग्राफी उसको कहते हैं, वो क्या होता है, वो रीड करता है वो जो डाटा हमारे पास आया ना फिल्म को, तब हमारे पास इमेज जो है वो मॉनिटर पे नजर आएगा। आप कन्वेंशनली डिजिटल की अब बात कर रहे हैं ना, कन्वेंशनल में तो होता था पहले हम जाके डेवलप करते थे, अब क्या होगा एक्सरे रूम में कभी आप लोग गए हो तो वो आपने देखा होगा एक सीआर सिस्टम पड़ा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो एक्सरे को रीड करता है। कैसे, अब हमने क्या किया था, एक्सरे को पेशेंट खड़ा था, चेस्ट एक्सरे लिया, बक्की के अंदर उसकी फिल्म डाली हुई थी, फिल्म के ऊपर जो है वो हमारे पास इमेज आया ना, अब हमने उसको देखना कैसे है, फ्लोरों में तो सामने हमारे पास मॉनिटर जो है वो लगा होता है और वो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन डिजिटली कन्वर्ट कर रहा होता है डाटा, ठीक है, हमारे पास स्क्रीन डिस्प्ले हो जाती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है आपके पास, अच्छा इसके अंदर हमारे पास क्या, वो जो फिल्म लगी हुई ना उसको हम लोगों ने रीड भी तो करना है ना मॉनिटर पर जाके, वो सामने तो कहीं इमेज नहीं आया, उस रूम से फिर हमने इमेज ले लिया, ठीक, इमेज लेने के बाद हमने उसका वो लेना है कैसेट लेना है, सीआर रूम में जाएंगे, सीआर रूम में उसको यूं करके उसकी एक डिवाइस सी लगी होती है, यूं करके छोटा सा बॉक्स पड़ा होता है उसके अंदर हम फिल्म डाल देते हैं, ठीक है, वो फिर साथ ही उसका मॉनिटर लगा होता है, वो जैसे जैसे फिर उसकी आवाज़ आ रही होती है रीड कर रहा है उसको, और साथ साथ इमेज वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है हमारे मॉनिटर के ऊपर, तो हमें डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है, तो दैट इज अ सीआर सिस्टम, स्कैनर ही है वो, ठीक है, उसने उसको रीड करना है, फिर उसके बाद फिल्म खत्म, मतलब आप दोबारा रीयूज कर सकते हो फिल्म को, अब उसके ऊपर इमेज नहीं है कोई भी, ठीक है, आप उसके ऊपर, अब क्या होता है फिर वो डिजिटल हमारे पास फिल्म है ना, फिर हम एक ये नहीं है कि बार बार नई फिल्म लेके आए, वो रीड हो गई है, दैट मीन्स उसका इमेज जो है वो ट्रांसफर हो गया है हमारे मॉनिटर के ऊपर, अब वो रीयूज हो सकती है, अब दोबारा नए पेशेंट के ऊपर जाके यूज कर लो वाली फिल्म, ठीक है, तो वो सीआर सिस्टम जो होता है बेसिकली उसने जो है वो रीड करना है हमारे एक्सरे की वो जो फिल्म होती है, ठीक है, उस वो किस मटेरियल को, उसमें होता है फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर, देन अगेन हमारे जो एक्सरेज हैं दे आर कन्वर्टिंग इनटू डिजिटल फॉर्म, लाइट में कन्वर्ट करके और मॉनिटर पर डिस्प्ले होते हैं, तो उसके अंदर क्या मटेरियल है, फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर दैट इज कन्वर्टिंग द इमेज इनटू विजिबल लाइट या विजिबली हमें मॉनिटर के ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है, इमेज इन डिजिटल एक्सरेज फॉर्म ऑफ एन इंडिविजुअल इमेज एलिमेंट्स, ओके, अच्छा, इमेज कैरेक्टरिस्टिक, व्हेन डिजिटल टेक्निक एक्सरेज फॉर्म एन इलेक्ट्रॉनिक लेटेंट इमेज ऑन अ रेडिएशन डिटेक्टर एरे, द लेटेंट इमेज इज देन मैनिपुलेटेड बाय अ कंप्यूटर, जो अभी इमेज जो है अभी प्रोसेस नहीं हुआ दैट इज द लेटेंट इमेज, ठीक है, देन वो कन्वर्ट होगा हमारे किसके अंदर, डिटेक्टर एरे पे डिटेक्ट हुआ, द लेटेंट इमेज इज देन मैनिपुलेटेड बाय अ कंप्यूटर, ठीक है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है डिजिटली, टेम्पररी स्टोर्ड इन द मेमरी एंड डिस्प्लेड एज अ मैट्रिक्स ऑफ इंटेंसिटीज, ठीक, Each having dynamic range of values over which a system can respond. अब also known as grayscale imaging. आप लोगों ने वो देखा है ना उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमारे पास डायनामिक रेंज, हम वर्ड यूज कर रहे थे ना उसमें डिफरेंट रेंजेस थी ग्रे की शेड्स थी, ठीक है, फ्रॉम लाइटर टू डार्कर, एक तरफ बहुत व्हाइट था और एक तरफ बहुत ब्लैक था, और सेंटर में जो पूरी हमारे पास डायनामिक रेंज थी वो ब्लैक की तरफ थोड़े ग्रे 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 और व्हाइट की तरफ बहुत व्हाइट व्हाइट, और दरमियान में इंटरमीडिएट से डिफरेंट शेड्स थे, यही ब्लैक एंड व्हाइट शेड्स ही तो हमें पूरी रेडियोलॉजी में नजर आते हैं, ठीक है, तो अब क्या है, उसने जो डिटेक्टर ने डिटेक्ट करना है उसके अंदर स्टोर होते हैं ये डायनामिक रेंज की वैल्यूज कुछ, ठीक, जिसने जो व्हाइट है उसकी वैल्यू हमें पता है उसके अंदर स्टोर्ड है, उसके अंदर जो ब्लैक है उसकी वैल्यू स्टोर्ड है, अब क्या जब इमेज आया उसने देखा कि यहाँ पे ये डेंसिटी थी अकॉर्डिंगली, एक इमेज जो था वो वहाँ पे एयर थी तो ब्लैक नजर आएगा, तो हमारे पास इसके अंदर सिस्टम के अंदर ही जो है वो स्टोर्ड होता है वैल्यूज, वो उसको डिटेक्ट करेगा और उसकी उसको ग्रे स्केल के इमेज के ऊपर वैसा इमेज नजर आएगा, या ब्लैक या व्हाइट अकॉर्डिंग टू द डेंसिटीज, ठीक है, इमेज मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या चीज होती है, पिक्सल्स का तो पता है, पिक्सल क्या होता है, पिक्चर, ठीक है, स्मॉल, सही, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द पिक्चर, इसीलिए हम कहते हैं ना जितने पिक्सल्स उतनी इमेज अच्छी, इतना मेगा पिक्सल है, इतने मेगा पिक्सल है, ठीक है, तो मेगा मतलब कि दैट मींस उसके जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, और जितना ज्यादा एलिमेंट्स होंगे जब यूनाइट करेंगे हमें इमेज अच्छा क्लियर मिलेगा, जितने कम पिक्सल्स होंगे वो ऐसे बड़े बड़े से एक दो पिक्चर्स वो हमें ब्लर ब्लर इमेज नजर आएगा, ठीक है, तो वो जब इंटरपैक्ड होते हैं इस तरह सारे एलिमेंट्स ज्यादा होंगे तो वो हमारे पास इमेज उतना ही शार्प उतना ही क्लियर नजर आता है, ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या रेफर्स टू अ लेआउट ऑफ द सेल्स इन रोज एंड कॉलम्स, ईच सेल कोरेस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन द इमेज, द नंबर इन द सेल रिप्रेजेंट्स द ब्राइटनेस इंटेंसिटी एट दैट लोकेशन,
अब एज मैट्रिक्स अपने लोकेशन आप बता रहे हैं किस जगह पे है, तो डेट मीन्स उसकी ब्राइटनेस या तो ब्लैक होगी या हर मैट्रिक्स अपनी इंटेंसिटी बताएगा, ठीक है। एक मैट्रिक्स जो है बीच में इस तरह के किस पे देखते होते थे पता नहीं, एक कार्टून आते होते थे स्क्वायर छोटे 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 इमेजेस बना रहे हैं, बीच में से एक डब्बा भी निकाल लो तो वो इमेज खराब सारा, ठीक है। वो इस तरह समझ लो कि छोटे छोटे बॉक्सेज हैं इमेज के, मैट्रिक्स के, ठीक है। वो क्या बता रहा है, वो उसकी इंटेंसिटी बता रहा है, उसकी डेंसिटी बता रहा है, उसकी ब्राइटनेस वैल्यू बता रहा है। द ब्राइटनेस ऑफ अ सेल इज डिटरमाइंड बाय द कंप्यूटर जनरेटेड नंबर स्टोर्ड इन दैट। अब हमें पता है कि एवरी वैल्यू इज स्टोर्ड इन द सिस्टम, जो कि हमें उसके ब्राइटनेस लेवल को हम लोगों ने उसके अंदर स्टोर्ड, ब्लैक के लिए अलग वैल्यू है, व्हाइट के लिए अलग है, ग्रे के लिए अलग है, डिफरेंट ग्रे के शेड्स के लिए, वो क्या करेगा, वो इसको डिटरमाइन करेगा और हमारे पास इमेज उस तरह विजुअलाइज होगा। ईच सेल ऑफ द इमेज मैट्रिक्स इज कॉल्ड द पिक्सल, जो कि एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट है पिक्चर का। द वैल्यू ऑफ द पिक्सल डिटरमाइंस पिक्सल ब्राइटनेस। इन सिटी इमेजिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच पिक्सल इज अ सिटी नंबर। अब ये जब आप सिटी स्कैन पढ़ लिया, पढ़ लिया सिटी नंबर पढ़ा है उसमें, याद है? हाँ, फील्ड यूनिट्स, ठीक है। उसके अंदर सिटी नंबर्स, ये सिटी नंबर्स वही हैं, ठीक है। ये आपको वो ब्राइटनेस लेवल्स ही बता रहे हैं। उसमें आपने पढ़े होंगे कि एयर के लिए कितना है, ठीक है, बोन्स के लिए कितना है, ठीक है, एक वाटर के लिए कितना है, डिफरेंट हाउसफील्ड यूनिट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। ये वो सिटी नंबर यही चीज बता रही है कि कितना ब्राइटनेस लेवल है उसका, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द हाउसफील्ड यूनिट, ये अब आ गया ना एच यू, कैन बी मैनिपुलेटेड टू जज द कम्पोजिशन ऑफ द टिश्यू रिप्रेजेंटेटेड। अब टिश्यू किस कम्पोजिशन का है, लिक्विड है, सॉलिड है, क्या है, फिर उसकी ब्राइटनेस हम लोग जो है वो इसके अंदर यूनिट्स स्टोर्ड होते हैं, वो हाउसफील्ड यूनिट डिफरेंट एयर के लिए इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, अगर वो उसको मैच कर जाता है तो इमेज हमारे पास ऐसा नजर आएगा, ठीक है, ब्लैक वाइट। अब आज सिटी के बाद एक्सरे पढ़ लिया, फ्लोरो पढ़ लिया, सिटी पढ़ लिया, एमआरआई आ जाओ। एमआरआई के अंदर क्या है, डिजिटल डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड एंड न्यूक्लियर मेडिसिन। द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द पिक्चर ऑल्सो हैज अ रिलेशनशिप टू द कंपोजिशन ऑफ द टिश्यू इमेज, ठीक है। सेम उसी तरह इसके भी कुछ हमारे पास यूनिट्स एंड दैट विल मैच विद द डेंसिटीज ऑफ द टिश्यू और वो हमारे पास इमेज डिस्प्लेड होगा। मोस्ट डिजिटल एक्सरे इमेजिंग सिस्टम प्रोवाइड इमेज मैट्रिक्स साइज ऑफ फील्ड ऑफ व्यू 512 का हमारे पास, या फिर 1025। ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन है ना, उसमें भी जब आप लेने जाओ ना, ये चीजें जरूर देखा करो कि उसकी कितना हमारे पास पिक्सल साइज है, दैट मीन्स वो रेजोल्यूशन बताएगा, ठीक है। कोई भी किसी भी आप मोडालिटी को खरीदते हो, बड़ी मोडालिटीज में तो आपका रोल नहीं है। हाँ चलो, अगर आपका गवर्नमेंट में कहीं जॉब होती है तो आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं परचेज में भी, ठीक है, बिकॉज आप लोगों ने ही तो स्कैन करना है सारा, ठीक है। वो आप लोगों से पूछते हैं कि कितने पिक्सल होना चाहिए, ठीक है, जितना पिक्सल आपको पता है कि ये 1024 का जो पिक्सल है ना, उसकी रेजोल्यूशन बेहतर होगी, 512 की रेजोल्यूशन कम होगी, ठीक है। तो आप बस अपना वो बता सकते हो कि भाई रेजोल्यूशन इतना हो, ताकि वो आपको परचेज हुआ, आपको पता तो हो कि ये चीजें होती क्या है, बिकॉज इट्स ऑल रिलेटेड टू द रेजोल्यूशन, और आपने तो इमेज करना है तो जितनी अच्छी रेजोल्यूशन इतना अच्छा बना सकते हो। फॉर द सेम फील्ड ऑफ व्यू स्पेशल रेजोल्यूशन इज बेटर विद अ लार्जर इमेज मैट्रिक्स, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, जो छोटे से छोटे इमेज को भी डिस्प्लेड करती है, वो बेहतर होती है विद अ लार्जर मैट्रिक्स। The size of the image matrix and field of view determines the special resolution for direct digital images, CT, MR, and ultrasound. Special resolution in digital imaging can be no matter than a size of the pixel. जितना छोटा size pixel का उतनी अच्छी special resolution, ठीक है, directly proportional. Dynamic imaging क्या है, refers to the number of shades of gray that can be represented. अब we all know कि dynamic imaging हमारे पास fluoroscopy है. The dynamic range of the human eye is 25 या 32. Mainly जो हमारी आँख जो है वो कितने shades को detect कर सकती है, 32 grey के shades देख सकती है, इससे ज़्यादा नहीं देख सकती, ठीक है। तो जितने भी grey के shades, darker grey, lighter grey, black, जितने भी ये different shades है ना, black और white के दरमियान जितने भी shades हैं, ये 32 shades एक human eye can detect. The dynamic range इसको कहते हैं, जो एक grey के shades की पूरी range होती है, इसको dynamic range कहते हैं. डायनेमिक रेंज का कहीं वर्ड यूज हो रहा है, दैट मींस ग्रे के शेड्स उसकी रेंज है। द डायनेमिक रेंज ऑफ द एक्सरे बीम एज इट एग्जिट्स द पेशेंट इज एन एक्सेस ऑफ 210. ह्यूमन आई कैन नॉट विजुअलाइज सच अ डायनेमिक रेंज अ कंप्यूटर कैन, समझ आए कि 32 तो ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर तो 210 तक जो ग्रे शेड्स हैं उसको डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन नजर हमें फिर भी 32 ही आएंगे, क्योंकि हमने आंखों से देखना है।
ठीक है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो तो 2-10 तक जो है वो शेड्स को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये विंडो लेवल और विंडो विड्थ का वर्ड आप सुनोगे एक्सरे सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट, ज्यादातर चेस्ट के अंदर जो है वो ये विंडो, क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा सीटी के अंदर, व्हाट इज विंडो लेवल एंड व्हाट इज विंडो विड्थ, व्हाट इज विंडो लेवल पढ़ा सीटी में, भूल गए हो, पढ़ा था, कब पढ़ा था, लास्ट सेमेस्टर में, क्या होता है, किससे पढ़ा था, तो अच्छा पढ़ा होगा मैम। ये वो वाली विंडो तो नहीं है जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वेव के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो होता है, ये सिटी के अंदर मैं पूछ रही हूँ, तुम तो डॉपलर में चली गई हो, एक बता रहा है इमेज कंट्रास्ट मैम, कंट्रास्ट और ब्राइटनेस का था, क्या था Yes, ma'am. मैम विंडो विड्थ तो उसमें तो ज्यादा रेंज और शेड्स आ जाएंगे ना, जिस तरह से अब हम ब्रेन के लिए हमने ब्रेन की इमेजिंग करनी है तो हम नैरो विंडो विड्थ रखेंगे ताकि उसके अंदर कम शेड्स ऑफ ग्रे हमें जरूरत होगी, अगर हमने एब्डोमेन का करना है तो हम विंडो विड्थ ज्यादा खोलेंगे, हम वाइड खोलेंगे क्योंकि एब्डोमेन में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है और उनकी डिफरेंट जो है वो उनका डिफरेंट कंट्रास्ट है। अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ, आपने जब चेस्ट एक्सरे चेस्ट सीटी करना है ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है स्पेसिफिक चेस्ट का ही है, अब चेस्ट के अंदर क्या होता है उसमें वेसल्स भी हैं ठीक है, अगर सॉफ्ट टिश्यू को देखना है या वेसल को देखना है, अब कॉन्ट्रास्ट स्टडी है, दैट मीन्स के बाकी हमने एक्सक्लूड कर देना है, बाकी को डिम कर देना, जो चीज हमने देखनी है उस लेवल को हाईलाइट कर देना ठीक है। तो लेवल क्या बताता है कि आपका जो हमने जो स्ट्रक्चर जो टिश्यू जो हमने देखना है उसकी ब्राइटनेस को इन्हेंस कर देता है ठीक है, वो टिश्यू की ब्राइटनेस बढ़ाता है ठीक। अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हम कहते हैं डिफरेंट लेवल्स बने हुए हैं उसके अंदर सिटी के अंदर हम वेस्कुलर लेवल को ऑन कर दें ठीक है, तो उसके अंदर जितनी वेसल्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी, जो पूरा लंग्स है वो ब्लैक ब्लड वो डिप्रेस हो जाएगा, उसको इमेज हमें नजर नहीं आएगा ठीक है। और इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, दूसरा जो विंडो विड्थ है वो जितनी ज्यादा हम लोग उसके वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रास्ट लेवल को बढ़ाएगा, जो हमारे कॉन्ट्रास्ट क्या होता है दो स्ट्रक्चर्स को डिफ्रेंशिएट कर पाए ठीक है, जो दो क्लोज स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं उनको आपस में हम लोग देख सकें कि ये वाला स्ट्रक्चर ये है, थोड़ी सी ही उनकी ग्रे शेड डिफरेंट है दोनों में से, तो दैट मींस के एक ये स्ट्रक्चर है, दैट वी कैन डिफरेंशिएट डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट शेड्स, वो हमारे पास विंडो लेवल्स में आ जाएगा ठीक है। और लेवल क्या है, स्पेसिफिक टिश्यू की ब्राइटनेस को, वो को ब्राइटनेस है एक उसके कॉन्ट्रास्ट को ठीक, ये तो आपने पढ़ी हुई है। अच्छा, डिजिटल रेडियोग्राफी क्या है, देन अगेन रेफर्स ऑन द कन्वेंशनल रेडियोग्राफी बिकॉज द फिल्म इज नॉट द इमेज रिसेप्टर, वो फिल्म होती थी जिसके ऊपर इमेज जो है वो फॉर्म होता था उसको फिर हम प्रोसेस करते थे, इट यूजेस रेडिएशन डिटेक्टर, दोज इलेक्ट्रिकल आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन इंटेंसिटी, इनिशियली दिस आउटपुट सिग्नल इज एनालॉग फॉर्म बट इट बी कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म द इमेज इज डिस्प्लेड ऑन द वीडियो मॉनिटर, ये वही बातें दोबारा से कन्वेंशनल और उसकी बताई है कैसे उसके अंदर स्कैन प्रोजेक्शन क्या है सिटी के अंदर, वही हमारे पास किस तरह एक्सरेज जो है वो हम लोग उसका लेते हैं, साइनोग्राम भी इसको कहते हैं, पहले क्या कहते हैं सिटी के अंदर जब हम पहले तो हम लोग एकदम से स्लाइसेस नहीं लेना शुरू कर देते ठीक है, हम पहले क्या करते हैं कि इमेज जिस तरह सिटी के अंदर जो है वो एक एक्सरे लेते हैं ना पूरा, हमने एब्डोमेन का सिटी करना था उसके एक्सियल स्लाइसेस अंदर, पहले हम क्या करेंगे उसको हमने यहाँ से लेके यहाँ तक उसको जितना भी एब्डोमेन का फील्ड ऑफ व्यू था उसको खोल लिया, पहले हमारे पास जिस तरह एक एक्सरे का इमेज आता है ना वो आता है ठीक, फिर उसको हम डिफरेंट उसके ऊपर जो सेक्शन है उनको हम लोगों ने स्लाइस थिकनेस जितनी रखनी होती है वो हम खुद उसके अंदर रखते हैं कि हमें 2 mm की चाहिए 3 mm की चाहिए, जितनी भी स्लाइस थिकनेस चाहिए फिर हम उसके ऊपर उसको प्लान करते हैं ठीक है, पहले हमारे पास एक्स्ट्रा इमेज आएगा, जब प्लान कर लिया फिर उस सेक्शन जितना हमने 2 mm का स्लाइस रखा था तो 2 mm तक हमें स्लाइसेस कट होके एक्सिलरी हमें स्कैन प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी के अंदर ये चीज है ठीक है, ये भी फिर उसका बताया हुआ कैसे कन्वर्ट कर रहा है कन्वेंशनल इनटू डिजिटल फॉर्म। कॉलीमीटर्स दो लगे हुए, एक प्री पेशेंट कॉलीमीटर होता है एक पोस्ट पेशेंट कॉलीमीटर होता है, प्री क्या लगा होता है जो कि हमारे ग्रिड्स की फॉर्म में ठीक, और एक हमारे पास जो उसमें लगे होते हैं एक्सरे ट्यूब के साथ कॉलीमेटर्स लगे होते हैं ठीक है, जो उसकी रेडिएशंस जो पे हमारे पास स्कैटर्ड रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब करते हैं ठीक है, और जो पेशेंट के पास लगे होते हैं फिल्म के वो ग्रिड होती है ठीक है।
ठीक है, बाकी इसमें जो चीज इम्पोर्टेंट है बता देती हूँ, ये सब फीडिंग वाली चीजें। ठीक है, एक एक दफा रीड कर लेना, जो नई चीज चीज समझ आए मुझसे पूछ लेना। ठीक है, सिर्फ रीडिंग है, कैसे कन्वेंशनल या डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है। मैं पैक्स की तरफ आती हूँ, ये हर एक को बताया बस, लेटेंट इमेज कैसे जो है ना उसमें कन्वर्ट होगा, डिजिटल फ्लोरोस्कोपी, फिर वही वाली बातें डिटेल में बताने। हाई वोल्टेज सिस्टम की तरफ आ गए हैं, क्या क्या इसके अंदर लगी होती हैं चीजें। कन्वेंशनल के अंदर ये चीजें नहीं लगी होती हैं, ठीक है। कन्वेंशनल में बस सारा कुछ जो है वो एनालॉग ही होता है। अच्छा, वो डिटेल है। पैक्स PACS, उसकी पैक्स कहते हैं उसकी, और उसके एब्रीवेशन क्या है, पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें क्या होगा, इट अलाउज द एक्विजिशन, इंटरप्रिटेशन एंड स्टोरेज ऑफ ईच मेडिकल इमेज इन डिजिटल फॉर्म विदाउट द रिसॉर्टिंग टू द फिल्म। अब ये क्या है, हमें फिल्म के फॉर्म में नहीं देगा, बट स्टोर कर देगा इमेजेस जो कि ट्रांसफर हो रहे हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, और इमेजेस ही है ना पिक्चर हमारे पास है ये, और ये जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट हमारे रेडियोलॉजी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट हॉस्पिटल्स के डिपार्टमेंट्स को इंटरलिंक करते हैं। द प्रोजेक्शन सेविंग इन टाइम एंड मनी आर इनॉर्मस। थ्री प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आर डिस्प्ले, नेटवर्क एंड स्टोरेज सिस्टम। नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो है सारा पूरा ये नेटवर्क सिस्टम है, पूरे हॉस्पिटल को ये उसमें कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, द हार्ट ऑफ अ पैक डिस्प्ले सिस्टम इज द CRT मॉनिटर ऑफ द वीडियो स्टेशन, जो कि हमारे पास कहाँ सेव होता है, ये जहाँ पर रिपोर्टिंग रूम होता है वहां पे स्टेशन ये इसको किया जाता है, जो कि कह सकते हो कि सारे इमेजेस उधर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको रिपोर्टिंग रूम में ही इसको वहां पे किया जाता है। इसकी रेजोल्यूशन 2048 तक, अब 1021 तक तो हम चले गए थे। इसकी रेजोल्यूशन जो है इतनी बेहतर होती है, एक तो ये कि हाई सिस्टम है, ठीक है, हमारे पास सारी इमेजेस यहीं पे आ रही हैं, तो पैक्स आर इक्विप्ड विद अ कीबोर्ड कंट्रोल फॉर द इमेज प्रोसेस मोड, और इसके ऊपर भी जो हमारे पास डॉक्टर्स हैं वो भी इसके ऊपर पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। एक तो आप लोगों ने इमेज बना के वहां पर भेज दी है, दूसरा ये क्या होता है, डॉक्टर्स भी इसको थोड़ा सा वहां पे बैठ के स्टेशन के ऊपर इसके ऊपर पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट इसमें जो दो तीन चीजें इम्पोर्टेंट है बस मैंने वही निकाली है। नेटवर्क्स आपको रिक्वायर्ड, मतलब पढ़ने वाली चीजें आपसे रिलेटेड नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको इसका पता होना चाहिए, ठीक है। नेटवर्क, स्टोरेज सिस्टम, ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको पहले पहले बता दी है। सिर्फ रीड कर लेना, जरूरी नहीं है कि आपने ये सारा पढ़ना है। सारा कंप्यूटर और नेटवर्क और ऐसी चीजें, दो तीन चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जो आपके मैं क्या कह रही थी भला, असाइनमेंट का, असाइनमेंट मैंने आपको पहले दी थी GI ट्रैक के इमेजेस का, ठीक है। उसके बाद मैंने जितने भी आपको पढ़ा दिए ना फ्लोरो के इमेजेस, जिसके ऊपर सिर्फ इमेजेस लिखे हुए, डिटेल नहीं पता, ठीक है, सिर्फ इमेजेस हैं, ठीक है। आपने GI ट्रैक के भी वही मैंने इमेजेस बताए थे, इसी तरह बिलरी और दूसरे यूरिनरी ट्रैक के अंदर जो इमेजेस हैं उनको, इमेजेस को लगाओ अपने असाइनमेंट में, और साथ वन लाइन उनका सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, ठीक, एक वो, और उसके अंदर ऐड क्या करना है आप लोगों ने, एक चीज ऐड करनी है, हाउ टू रीड एक्सरेज। हर बंदे की वो एक जो है ना, इसके साथ मुझे जो एक तो वो बन गया ना, फिर अगला पेज जो होगा ना हाउ टू रीड एक्सरेज, के अंदर आपने एक्सरे का इमेज लगाना है, चेस्ट एक्सरे, और उसको रीड कैसे करते हैं, ठीक है, कौन सी चीजें किस तरह नजर आती है, ठीक है, उसको लेबल करो, और आप गूगल पर थोड़ा सा सर्च करोगे ना हाउ टू रीड एक्सरे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जिस तरह जो भी जिस तरह अपना असाइनमेंट बनाएगा उसको आप डिजिट उस तरह उसमें बना लो, टेबल फॉर्म में बना लो, आप उसको पैराग्राफ के फॉर्म में बना लो, ठीक है, डायग्राम लगाओ चेस्ट एक्सरे के साथ में, लेबल कर लो कि वाइट स्ट्रक्चर्स हमारे पास बोन्स हैं, एयर है, ये है वो है, ठीक है, लेटरल इमेज और जो हमारे पास AP इमेज होता है, दो इमेज लगा के आपका बस टॉपिक ये है हाउ टू रीड इमेज। अब आपने इसको गूगल के ऊपर जिस तरह भी लिखना है हाउ टू रीड
एक्सरे इमेज सारे फ्लोरो के सिर्फ जो प्रोसीजर जिनको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ जिनके साथ डेफिनेशन नहीं है ठीक है जो सिर्फ इमेजेस हैं उस इमेजेस को आप लोगों ने डिफाइन करना है बस ठीक है वरना ये 10% की आपकी पूरी असाइनमेंट है तो और एक एक पेज आपका बनेगा हाउ टू रीड एक्सरे इमेज ठीक है ये नेक्स्ट ट्यूजडे से पहले पहले बना लो ट्यूजडे इज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आज ट्यूजडे है तो एक वीक है आपके पास तो इसको बना के वीकेंड पे बना लो जैसे भी है गूगल पे लिखोगे हर चीज मिलेगी आपने वर्ड पे बनानी है या जैसे भी आपको सही लगता है लेकिन इस तरह नहीं बनानी कि आपने पेन से बना के पेपर के ऊपर पिक्चर्स मुझे सेंड कर दी है ऐसे नहीं वर्ड के ऊपर प्रॉपर क्योंकि इमेजेस है ना इमेजेस साथ लगाने वो क्लियर आपको इसी पे ही होंगे साथ में इमेजेस लगाओ उसके ठीक है एक्सरे कैसे रीड करते हैं उसका आपने बताना है और उसके अलावा डिफरेंट उसके अंदर चीजें स्ट्रक्चर्स जो है वो किस तरह नजर आते हैं वो आपके ऊपर है जितना अच्छा आप उसका एक्सप्लेन कर सकते हो उतने अच्छे मार्क्स हाउ टू रीड जस्ट एक्सरे कर लो या हाउ टू पहले लिखो हाउ टू रीड एक्सरेज ठीक है क्योंकि एक्सरेज के लिए हर एक्सरे के लिए हमें दो इमेज रिक्वायर्ड होते हैं एपी लेटर क्यों क्योंकि कुछ चीजें ओवरलैप हो जाती हैं ये चीजें आपने बतानी है ठीक है और एक्सप्लेन कर दो चेस्ट एक्सरे को एक एक्सरे को एक्सप्लेन करना तो वो चेस्ट एक्सरे आपको एटलीस्ट एक्सरेज में चेस्ट एक्सरे रीड करना आना चाहिए बाकी तो आपके लेंस वगैरह आपको पता है किस तरह जो बोन्स है वो अगर फ्रैक्चर होंगी तो लाइन कैसे नजर आएगी स्पाइरल फ्रैक्चर्स क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्चर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे ठीक है वो फ्रैक्चर्स होते हैं लेकिन मुश्किल क्या होती है आपको चेस्ट एक्सरे रीड करना ठीक है एम्फाइसीमा है तो वो आपको किस तरह नजर आएगा कोई ऑसिफिकेशन है आजकल ये कोविड के अंदर चेस्ट एक्सरे का बड़ा है कि कोविड के अंदर चेस्ट एक्सरे किस तरह नजर आता है उसके अंदर किस तरह की डेंसिटीज आ जाती हैं व्हाइट कलर के छोटे छोटे जो हमारे पास वो बन जाते हैं कंसोलिडेशन टाइप मतलब व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे और उस और कौन सी डिजीजेस के अंदर इस तरह हो सकता है ठीक है अगर आधा लंग व्हाइट नजर आ रहा है व्हाट डज दैट मीन ठीक है थोड़ा सा बता दो कि एम्फाइसीमा आपके पास अगर कोई पेशेंट मतलब कि चेस्ट एक्सरे के अंदर पूरे चेस्ट एक्सरे को एक्सप्लेन कर दो और हाउ टू रीड एन एक्सरे का एक पैराग्राफ लिख दो ठीक है समझ आ गई है तो आप लोग को एटलीस्ट एक्सरेज रीड करने आ गए या एक्सरे कोई भी हो तो वो आपने दो इमेजेस किस तरह लेने हैं उसको किस तरह रीड करते हैं उसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर किस तरह नजर आते हैं वो सारा आपको गूगल पे मिल जाएगा ठीक है तो उसको पढ़ो साथ में और ये कि आपको उसी तरह आपने उसको बना लो जिस तरह भी पैराग्राफ में बनाना है टेबल में बनाना है वो आपके ऊपर हर चीज गूगल पे मिलेगी ठीक है और वो जो पिछला है वो टेबल की फॉर्म में जिसने टेबल बनाना टेबल बना लो एक एक इमेज साथ में एक लाइन डेफिनेशन वही इमेज को सिर्फ नाम लिखो गूगल पे डालो उसकी डेफिनेशन आ जाती है दो लाइन की वहां से कॉपी पेस्ट ठीक है ताकि मैं आप लोगों के वाइवा के जो क्वेश्चन है यहीं से लूँ ठीक है आपके वाइवा क्वेश्चन ही हैं सारे यहीं से जो मिड आपका एमसीक्यूज भी थोड़े से हो सकते हैं और एससीक्यूज भी हो सकते हैं मैं बीच में इमेजेस भी देती होती हूँ मतलब कोई लेबल करने को दे दी आई लव इमेजेस इमेजिंग के स्टूडेंट्स को तो इमेजेस रट जाने चाहिए ताकि आप यहाँ से निकलो कि आप कहो कि यू आर इमेजिंग स्टूडेंट यहाँ दिखाती हूँ ना कुछ इमेजेस जो बिल्कुल कंफर्म क्लियरली पता चल रहे हैं कि ये इमेज ये चीज का है ठीक है बोन नजर आ रही है ये चीज क्यों नहीं देखी सोए रहते थे पता चल गया मुझे ऑनलाइन में तुम लोग जो है ना सोए रहते थे जब मैं एक्सप्लेन कर रही होती थी ठीक है तो जो कंफर्म इमेजेस आपको बता रहे हैं कि ये चीज है ये लंग्स हैं ये बोन्स हैं ये चीज है ये एयर है ठीक है वो तो आप लोगों को क्लियर आपको पता चल जाने चाहिए बेसिक चीजें तो क्लियर होनी चाहिए ना बेसिक अभी तक बेसिक ही नहीं आपको फिर पढ़ने आएंगे तो फिर आप डिजीज कैसे पढ़ोगे ठीक है जो अगर ठीक है ऑनलाइन वालों आप लोगों को भी समझ आ गई है ना ट्यूजडे इज द लास्ट डेट आज क्या डेट बनेगी ट्यूजडे को 22nd ठीक है तो 22nd इज द लास्ट डेट उससे पहले पहले जो है मुझे आप लोगों ने गूगल ड्राइव मैं वो भी बताती हूँ आपको मुझे इसका पता नहीं है किस तरह सेंड करते हैं कोई एक फोल्डर के अंदर सारे सेंड करें ईमेल ना मुझे कोई करे ठीक है और अपने फोल्डर के ऊपर अपना नाम और अपना जो है ना आगे जो भी कोर्स है क्योंकि मुझे मैं 3 कोर्स पढ़ा रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि वो उसके अंदर कौन से क्लास का ये बच्चा है ठीक है अपना नाम लिखो फॉर एग्जाम्पल जो भी ये आपका असाइनमेंट था इसको रीनेम कर दो ऊपर सना आगे लिख दो मेमोग्राफी ठीक है मुझे बस ये समझ आ जाएगी कि ये सना जो मेमोग्राफी ये मैं अंदर खोल के सारे बाकी चीजें वहां लिख लू लेकिन फोल्डर का नेम अपना नेम और साथ में ब्रैकेट में जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी 21 की डेट अभी तक है लेकिन अभी कंफर्म जो डेट शीट है वो नहीं आई है ठीक है तो वीक रह गया आपके पास तो वो फिर
आप लोगों को मैंने क्विज में कितने दिए थे, 6 दिए थे लाइक, और अब कितने पढ़ लिए हमने, 15 पढ़ लिए हैं, 6 और ऐड कर लेंगे, 12 हो जाएंगे, सही है, बाकी रह जाएंगे हमारे फाइनल, फाइनल में तो सारा कुछ ही आएगा, फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू लास्ट लेक्चर, 4-5 और रह गए बस, अब देखती हूँ चलो देख लेते हैं, 10 कर लेंगे, अभी हमारा 15 है ना, तो मेरा ख्याल है 19 या 20 लेक्चर होंगे, 20 से ज्यादा नहीं है, ठीक है, 5 और लेक्चर रह जाएंगे, दो हफ्ते तक, अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम लोग उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड की कुछ कर लेंगे, प्रैक्टिकल्स कर लेंगे, टाइम आज उसका होगा, अल्ट्रासाउंड का होगा, थोड़ा सा ही करवाऊंगी, ज्यादा नहीं, मेरा लेक्चर खत्म होगा अगला 11 से 12 बजे तक, 12 स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आधा घंटा ही सेट करेंगे आज, ठीक है, आज मैं स्कैन करवाऊंगी आप लोगों पे, लड़के किसी के ऊपर, ठीक है, उस दिन थे आप लोग जब मस्पोस कैटर की क्लास हुई थी, कौन कौन था, आप थे बॉयज में, आप थे, आप चले गए थे बाद में, हमने स्कैन किया था उस वक्त, हम न्यूरोलॉजिस्ट पढ़े थे, फिर उसके बाद जमीर और वो आ गया था, उसके साथ कौन था, उसके ऊपर हमने स्कैन किया था, लिवर और किडनीज वगैरह जो थी ना वो, आज फिर आज से स्कैन से स्टार्ट कर दिया, स्कैन से न्यूरोलॉजी, जब तक हमने मेरा ख्याल है बहुत बार बार पढ़ ली है न्यूरोलॉजी, और अब स्कैन अब स्कैन ही होंगे सर, ठीक है, थायराइड का करेंगे, एब्डोमेन के कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे, किडनी कैसे निकालनी है, ठीक है, लिवर परकुटेनियस ऑपरेटिव, अच्छा ऑपरेटिव, ड्यूरिंग ऑपरेशन जब हम देख रहे होते हैं ना, जब स्टोन रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें देखते हैं कि आया स्टोन कहीं किसी ट्यूब में डक्ट में तो नहीं फंस गया, क्योंकि हमें उस वक्त ऑपरेट के दौरान तो नहीं पता चल रहा था, हमने स्कैन किया अल्ट्रा उसका गॉल ब्लैडर रिमूव करने के लिए, ठीक है, ऑपरेट कर रहे हैं हम, गॉल ब्लैडर रिमूव करना है, क्या होता है जब रिमूवल के टाइम क्या होता है, कहीं स्टोन जाके डक्ट तो नहीं हमने रिमूव करनी, डक्ट में जाके फंस जाती है, ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है वो उसकी इमेजिंग करेंगे, हाँ ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है हम उसकी डक्ट को विजुअलाइज करना होता है, इन केस कि हम निकालते हुए कहीं स्टोन जो है वो कहीं स्टक तो नहीं हो गया डक्ट के अंदर, ठीक है, इसकी सर्जरी और इस तरह की चीजें जो है ना यूट्यूब पे देख लिया करो वो किस तरह प्रोसीजर कर रहे होते हैं, कोलीडोको का क्या मतलब होता है, जो डक्ट से रिलेटेड हो, हाँ लिथियसिस स्टोन हो गया, कोली मतलब कोलीडोको मीन्स जो हमारा बिलरी डक्ट है, डक्ट के अंदर स्टोन, ठीक है, कोली लिथियसिस गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है, कोली मतलब वो जो गॉल ब्लैडर से, और डोको का वर्ड जहाँ पे आ गया वो डक्ट से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, कोलीडोको सील हो गया, दैट मीन्स सिस्ट इन द डक्ट, ठीक है, सील फ्लूइड है कोई, ठीक, इस तरह नेम से ही आपको उसकी डेफिनेशन का पता चलता जाएगा, ठीक, सील का मतलब कैविटी, अब उसके अंदर ज्यादातर हमारे पास कैविटी के अंदर बाइल ही मिलेगा, फ्लूइड मिलेगा, तो वो सिस्टिक फॉर्म में सिस्ट की उसमें आती है, कोलीडोको सील जो है ना, क्योंकि बाइल जो है वो उसमें आ जाए, ठीक है, साइमेंट की समझ आ गई है, और मिड्स का अभी तक कंफर्म कुछ नहीं है, ठीक, लेकिन जो अभी तक जिन्होंने डोज नहीं लगाई ना उनके लिए मैं फिर बता दूं, फिर ना बाद में शोर डालना कि हमारा रीटेक ले लें, या एक भी जिन्होंने डोज नहीं लगाई, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कंपलसरी कर दिया हुआ है कि अब जो जिनकी वैक्सीनेशन नहीं है उनका पोर्टल ब्लॉक, उनको कोई एग्जाम के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी, 1 डोज तो कंप्लीट करो, दूसरा का चलो आना तो होगा ना आपके पास कि दूसरी कंप्लीट होने वाली है, दूसरी अभी लगनी है, ठीक है, जिन्होंने लगवाई ही नहीं है, जो लगवाना ही नहीं चाह रहे हैं, और कुछ ईमेल्स मेरे पास आई हैं स्टूडेंट थी कि हमें लग ही नहीं सकती है, ठीक है, जो अंडर 18 है, जो पता नहीं कौन से बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन अंडर 18 में कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा खैर, जो अंडर 18 के भी कुछ बच्चों की ईमेल्स आई हैं वो क्या करें, वो सर ने कहा है वो अपने सराउंडिंग में जिसके साथ भी रह रहे हैं मम्मी पापा जो भी हैं उनकी वैक्सीनेशन हमें दिखाएं, ठीक है, जो अंडर 18 है वाकई अंडर 18 अपनी पहले एज शो करें, और उसके बाद जो है ना वो जिसके साथ भी रह रहे हैं आंटी अंकल जिसके साथ भी रह रहे हैं उनकी वैक्सीनेशन अगर हुई है तो वो सर्टिफिकेट उसका शो करें, ठीक, और कोई रीजन नहीं है जो कह रहे हैं कि हमें नहीं लग सकती, उसका कोई ऐसा नहीं है, हर एक को लग सकती है, हर कंडीशन में जो है वैक्सीनेशन इससे, वो फिर पढ़ाई छोड़ दें,
उन्होंने अकेले रहना, वही वाला जोक जो है ना, वो दुनिया में अकेले रहेंगे, सारी दुनिया लगवा रही है, सारी दुनिया अगर मर गई तो अकेले रहेंगे, अकेले रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज अगर एग्जाम देने हैं तो फिर बाद में ना मसला हो तो लगवा लो, टाइम है अभी लगवा लो, ठीक है। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं है, आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज कर रही है, हम सब ने लगाई है, हम जिंदा हैं, ठीक है, बिल्कुल। हेडेक बस रहता ही है वो पता नहीं गर्मी की वजह से क्या, गर्मी भी आजकल बहुत ज्यादा है। नहीं मुझे भी गलत लगनी है, सबको जो लग रही है वही लगनी है ना, मुझे साइनोवैक लगी थी, उसके सुना है कि थोड़े से हैं सिम्टम्स, कुछ ना कुछ, साइनोफार्म के नहीं इतने आए जितने साइनोवैक से बुखार हुआ है लोगों को, या कुछ मुझे सिर्फ हेड एक ही रहा है, और तो कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब, अब सेकेंड डोज के बाद पता चलेगा जिंदा रहेंगे कि नहीं। हाँ अरे को कौन पढ़ाएगा, पेपर कौन लेगा, तो मैं शुक्र करना पेपर मैम ना ले, पेपर बड़े मुश्किल लेते हैं, सबको मसला मेरे से पेपरों से अल्लाह करे पेपरों से पहले चली जाए, तो मैं उन्हें ये दुआ करती हूँ हमेशा मेरे एग्जाम जो, हालांकि मैं अपनी तरफ से इजी बनाने की कोशिश करती हूँ। अब मुझे क्या पता ये UMT वाले सिर्फ स्लाइड को सीधा सीधा उठा के, मैंने ये भी देने की कोशिश की, बच्चे उसमें भी नहीं लेते नंबर, सीधी स्लाइड में से मैंने ये वो उठा ली लाइन एज इट इज लाइन और चार ऑप्शन बना ली। कुछ बच्चों को तो बहुत इजी लगेगा, मुझे समझ नहीं आती इस तरह क्यों, मतलब के कुछ कहेंगे मैं इतना इजी पेपर आपने दिया, और कुछ कह रहे थे मैं आपके पेपर, अभी तक मुझे कहीं गुजरता हुआ मिलेगा ना मैं आपके पेपर बड़े मुश्किल होते हैं, मैं कहती हूँ कौन से स्टूडेंट को पता भी नहीं होता, और स्टूडेंट को गुजरेगा मैं आपके पेपर बड़े मुश्किल होते हैं। वाइवा में एक तो मुझे पता चल जाता है बच्चा चीटिंग ना कर रहा हो, क्योंकि अगर वो सामने उसके पास कोई चीज खुली है तो मैं वो दूसरे मोहल्ले से कुछ पूछना शुरू कर दूंगी, उसको घुमाना शुरू कर दूंगी, मतलब जो आप पहले स्लाइड से पूछ रही थी, जो राइट से आता है, आपने जो बातें बताई थी ना जो लेक्चर्स की नहीं थी लेकिन आपने वैसे ही बताई, जनरल चीजें ज्यादा तक पूछ रही, वो आपने पूछी थी, दैट मींस पता चलता है कि आपने लेक्चर सुना था कि नहीं सुना था, ठीक है। कुछ रट्टे वाले तो अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं ऐसे रट्टा लगा के आते हैं, मतलब इज फिर मैम इज द, मतलब कि वो इज को भी इधर उधर नहीं कर रहे होते, इस तरह सुन रहे होते हैं कि मिस वेट करें थैरे जरा मुझे याद आ रहा है इसके बाद क्या था, मिस थोड़ा सा अगला क्वेश्चन ना पूछेगा मुझे याद आ रहा है, मतलब इतना रट्टा, मैं बेसिक चीज पूछती हूँ आपको कोई तो कॉन्सेप्ट होगा ना, आप बस ये बता दो आपको क्या समझ के आई थी उस चीज की, अपनी वर्डिंग में बता दो, नहीं नहीं मिस मुझे याद आ रहा है वो इसका वो जो स्पेलिंग भी, स्पेलिंग छोड़ो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी गलत, वो कोई ऐसा था तो ये होगा कुछ इसी टाइप का था, मिस एस से था कुछ, मिस पी से था कुछ, इस तरह करके सुना रहे होते हो तुम लोग, मुझे इतनी हैरत होती है उस बच्चे पे, और मैं यकीन करूँ वो सही भी सुना रहेगा ना मैं उसको जीरो लगा दूंगी, क्योंकि इसने रट्टा लगा, इसको मैं उसको बार बार कह रही थी अच्छा अपनी वर्डिंग में सुना दो, क्या चीज अपनी वर्डिंग में कुछ तो बताओगे ना कि ये चीज समझ आई, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ एग्जैक्ट वही डेफिनेशन को इससे शुरू करो और फुल स्टॉप पे ही तुमने खत्म करना है, एग्जैक्ट वही रटा, अपनी वर्डिंग में बताओ जो चीज समझ आई है, जिस भी तरह समझ आई है, मुझे ये तो होगा ना तुम्हारे दिमाग में गई किस तरह के, तुम फिर वो चीज बताओगे जो तुम्हारे दिमाग में गई है उस तरह समझ आई है, ठीक है अपनी वर्डिंग में बता दो, नहीं नहीं बस मुझे याद आ रहा है वेट तो करे बड़े ड्रामे इस तरह के, ऐसे था ये था उससे इसमें क्या स्पॉटिंग दे रहे हैं हम लोग, इमेजेस हैं बस वो जो फाइनल हाँ वो स्पॉटिंग टाइप ही होगी कुछ, मैं मतलब लेबल करने को दे दूँ कुछ चीज जो है, ठीक है एक दो इन चीजें डालूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम स्पॉटिंग में चीटिंग बड़ी हुई थी, मेरे पास इमेजेस ही कोई 20-25 तो इमेजेस थे वही सारे, तो इतने बच्चे अक्लमंद होते हैं कि टीचर ग्रुप में टीचर्स को भी डाला होता है और पता ही नहीं होता उनका, यार ये वाली टीचर ये वाला पूछ रही है ये वाला पूछ रही है, और मेरे पास वो ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं, मैं कह रही हूँ ख्याल कर दूंगा, फिर मैंने इमेजेस को चेंज भी किए थे कि इतने अकलमंद होते हैं, साथ साथ मैं कहती हूँ जो पीछे हो गए बैठे हुए वो स्क्रीनशॉट्स पता नहीं कैसे ले लेते हैं इमेजेस की, ये वाला इमेज मैम पूछा है और जो है ना मुझे हर चीज का पता चल जाता है, इवन मेरे सामने बच्चा बैठा चीटिंग कर रहा है वो बता रहा है उसको, डैट मीन्स उसको आता नहीं था, उसके पिछले किसी स्टूडेंट ने बताया कि मैम ये क्वेश्चन पूछ रही है, उसने फटाफट रट्टा मार दिया उसको, मैं अगर उस क्वेश्चन के अंदर से एक और चीज पूछ लूंगी ना, अगर उसने बिल्कुल सही बताया ना आंसर उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन को पता, वो वहीं पर ठुस, डैट मीन्स उसने वहीं पर रट्टा मारा था कि मैम ने ये वाला मुझसे ना डेफिनेशन पूछी थी
दूसरे ने उसको बता दिया मैम ने ये डेफिनेशन पूछी, उसने फटाफट वो याद कर ली, उसी डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ और पूछ लूंगी ना, वो नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें भी बड़ी आती हैं, हम भी स्टूडेंट लाइफ से गुजर के आए हुए हैं, तो तुम लोग हमें बेवकूफ बना सकते हो, हम भी तुम लोग को बेवकूफ बना सकते हैं। सही, तो टीचर्स को ना समझाना करो, वो तुम लोग से थोड़ा सा एक स्टेप आगे हैं क्योंकि वो वहां से गुजर के आए हैं स्टूडेंट लाइफ से। ठीक है, ठीक है, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं।